हेलो दोस्तों, मैंने जो है ये स्टॉक में आपको 18% का प्रॉफिट दिया। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, जल्दी देख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो वो स्टॉक का प्राइस है दोस्तों, वो स्टॉक का नाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है उसका। देखिए NTPC, एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है NTPC। ठीक है दोस्तों, ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला, अगर आपने नहीं खरीदा है तो मैं तो बोलूँगा कि आपको खरीद लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए दोस्तों, दमादम खरीदना चाहिए चाहे जो भी हो। ठीक है, और देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक का कुछ आगे पीछे भी फंडामेंटली बता देता हूँ जो लोग खरीदने वाले हैं। देख लीजिए दोस्तों, जब भी ये स्टॉक चलता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है, और उसके बाद अगर गिरता है तो थोड़ा स्पीड में गिरता है, लेकिन चलता है तो स्पीड में चलता है। अगर कहीं भी देख लेते हैं, स्टार्टिंग्स में आपको दिखाना चाहता हूँ चार्ट में दोस्तों, ये एक जो है स्लो डाउन जैसा चार्ट बनाते जा रहा है। आप कहीं भी देखो, जब भी ये स्टॉक गिरता है तो एक बाउंस बैक मार के ऊपर जाता है, जब भी एक स्टॉक गिरता है तो बाउंस बैक मारता है, फिर बाउंस बैक मारता है, फाइनली अगर इधर देखो तो भी बाउंस बैक मारा। कितना का दोस्तों, 124 में अगर गिरावट हुआ तो 148 तक चला गया। ठीक है, तो अभी जो ये स्टॉक का देखिए दोस्तों, आपको ये जो है बिल्कुल नीचे वाले साइड में मिल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल नीचे वाला साइड में। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा गिरावट हो सकता है। ठीक है, तो आप पैनिक मत होइएगा, मैं कोई भी स्टॉक आपको बताता हूँ तो इंट्राडे के लिए नहीं बताता हूँ, ना ही फ्यूचर के लिए बताता हूँ, ना ही ऑप्शन के लिए बताता हूँ। मैं जो भी बताता हूँ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने पैसे को, तो आप ऐसे ऐसे स्टॉक में अच्छे पैसे लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टॉक अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है 113 के आसपास है, और जो चार्ट है दोस्तों वो आपको बिल्कुल जो है बुलिशनेस की तरह इशारा कर रहा है, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो पहले से पूरा गिर चुका है। अगर कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी में आज की डेट में गिरावट हुआ है 2% के लगभग, जो है 2% के आसपास गिरावट हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ आपको जो है ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा देता है दोस्तों, अट्रैक्टिव डिविडेंड देता है। डिविडेंड देख लेते हैं तो अराउंड आपको 5% के आसपास दे ही देता है। ठीक है दोस्तों, 5% के अगर आसपास आपको डिविडेंड भी दे रहा है तो मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट जितना देता है बैंक में उतना ही आपको डिविडेंड भी दे देगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो PB रेशियो है दोस्तों, वो भी थोड़ा नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज, जितने ब्रोकर हैं दोस्तों वो यहाँ पर बोल रहे हैं बुलिश ज्यादा है, ज्यादा बुलिश है दोस्तों कि ये स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए ऐसे करके। ठीक है, आप देख लेते हैं प्रमोटर की क्या हाल चाल है दोस्तों ऐसे स्टॉक में। तो ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी जो है धीरे धीरे प्रॉफिट देती है, धीरे धीरे का मतलब स्लो देती है। ठीक है, अभी देख लो 2016 में, 2016 में 10.18 था, मतलब 11 पॉइंट के आसपास था, और अभी देखिए 12 पॉइंट के आसपास ही थोड़ा हो रहा, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है धीरे धीरे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो कंपनी है दोस्तों धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं 2-3 महीना होल्ड नहीं कर सकता किसी भी स्टॉक को, तो वो आपकी परेशानी है भाई। ठीक है, वो तो कोई दूर नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैनिक हो जाओगे तो स्टॉक मार्केट खुद आपको डरा देगा, जिससे आप निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, डरना नहीं है, हिम्मत रखना है। ठीक है, डरने से तो सब लोग आपको डरा देंगे, बच्चे भी डरा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, अदर्स को कितना मिला है दोस्तों, पब्लिक को तो यहाँ देख सकते हैं 2% के आसपास मिला है, तो यहाँ पर पब्लिक को कुछ नहीं, बाकी सब तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ले लिए हैं दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल लोग और जो प्रमोटर लोग हैं दोनों दोनों ले चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि ये कंपनी में जो है दोस्तों रिकवरी हो रहा है, रिकवरी का मतलब जो लॉस हुआ था हुआ था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाईएस्ट प्राइस पर खरीदा होगा 115, या ऐसे भी हैं 120 या 30 में भी खरीदे, उनको लॉस हो रहा, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, धीरे धीरे आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हाईएस्ट प्राइस पर खरीद दिया, क्योंकि यहाँ देखिए कंपनी जो है अभी रिकवरी मोड में चल रहा, प्रॉफिट रेज भी देख सकते हैं यहाँ, रिकवरीज ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब कि दोस्तों जो फिक्स कॉस्ट है यहाँ पर रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन रिकवरी होने के लिए टाइम चाहिए होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने मार्केट में 1 लाख रुपया लाया, और 1 लाख रुपये से आपने जो भी है काम करना स्टार्ट किया, 1 लाख रुपये में से आपने जो 50,000 क्या किया, डुबा दिया। ठीक है, 50,000 आपका लॉस हो चुका, आपके पास बचा कितना, 50,000।
क्योंकि आपका टोटल कितना था, 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपीज़ में से आपका 50,000 लॉस हो गया, बचा कितना, 50,000। अब बताइए आपको 1 लाख रुपया पहुंचना है, अगर आपका जितना कैपिटल आप घर से लाए थे वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे को डबल करना पड़ेगा। जो आपके पास 50,000 लॉस होके 50,000 बचा है, तो वो 50,000 से अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आपको अपने पैसे को डबल करना होगा। तो डबल करना आसान नहीं होता। उसी तरह मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ दोस्तों, कंपनी में जो है लॉस हुआ है, लेकिन दोस्तों कंपनी में लॉस हुआ है लेकिन ये जो लॉस रिकवर कर रहा है, रिकवर करना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कंपनी का बहुत बड़ा, बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे देख ले, तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत बड़ा इसके पीछे फंडामेंटल और टेक्निकल होता है। यहाँ देख लीजिए सेल्स, ईयर टिल डेट सब कुछ निकाल के यहाँ पर बताया जाता है, कैपेसिटी क्या है कंपनी की, यहाँ पर देख सकते हो जो भी है दोस्तों सब कुछ यहाँ पर आपके सामने बताया जा रहा है कंपनी के। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इलेक्ट्रिसिटीज यहाँ देख ली देख सकते, सब कुछ है, कोल गैस को सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये जो है बहुत जो बड़े बड़े रिसर्चर वो करके बताते हैं, हम तो आपको जो है डायरेक्ट रिजल्ट बताते कि हाँ भाई देखो ये खरीदना है, ये बेचना है, ऐसे करना है, वो करना है, ठीक है। ये देखिए ग्राफ को ऐसे सेट किया जा रहा है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 13% का रिकवरी मोड आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इनक्रेज कीजिएगा, और जो लोग पहले से हैं उनको मैं बोलूँगा दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नए लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो मिस नहीं होगा। और दोस्तों ये स्टॉक को जिन्होंने खरीदा है मैं बोलूँगा वेट कीजिए, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होगा NTPC, ठीक है। वेट करना है जो लोग दोस्तों, मैं बोलूँगा 2-3 महीने आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2-3 महीने आप वेट कीजिए, तब जाकर आपको जो है धीरे धीरे रिकवर होगा, अच्छा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, पैनिक मत होइएगा, कोई ट्रेड मत कीजिएगा।